हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल, वीडियो ओनली फॉर योर एजुकेशनल पर्पज। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू, जो कि 19 अप्रैल ट्यूसडे को क्या रहने वाला है और इंट्राडे स्टॉक कौन कौन से रहने वाले हैं जहाँ पे आपको ट्रेड परफॉर्म करना है। उससे पहले देख लेते हैं आज का निफ्टी बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस क्या रहा। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे निफ्टी की क्लोजिंग होती है माइनस में, जो कि -302 है। वहीं पे बैंक निफ्टी की क्लोजिंग -734 में है, जो कि यस्टरडे के वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि जब भी मार्केट यहाँ पे हॉलीडे होता है और फॉरेन मार्केट ओपन होता है तो इंडियन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होती है और यहाँ पे 17,250 तक के लेवल को रीच कर सकता है और बैंक निफ्टी 800 से 900 पॉइंट तक की गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं नेक्स्ट डे की बात कर रहा था, ये सेम डे ही हो गया कि 800 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे बैंक निफ्टी में हो चुकी थी। और अभी हम लोग देखेंगे कि इंट्राडे के लिए जो मैंने प्रीवियस डे प्रोवाइड किए थे स्टॉक, उनका परफॉर्मेंस क्या रहा। तो यहाँ पे इंडिगो और एचडीएफसी, ये दोनों ही सेल साइड कॉल थे, जो कि गैप डाउन ओपनिंग होने की वजह से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें हम ट्रेड नहीं कर पाए हैं। अभी हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट डे के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो टॉप गेनर और लूजर हैं निफ्टी 50 में। अगर देखूँ यहाँ पे तो आईटी सेक्टर से जैसे इन्फी, बी सॉफ्ट, एम्फेसिस, उसके अलावा फिर बिप्रो, टीसीएस, ये सभी दिग्गज कंपनियां थी जिन्होंने निफ्टी 50 को बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग के लिए यहाँ पे सपोर्ट किया है। तो इनकी वजह से मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई है। उसी तरह देखा जाए तो फाइनेंस सेक्टर से एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों भाई भी बहुत बड़ा योगदान दिए हैं मार्केट को गैप डाउन ओपनिंग करने के लिए। वहीं पर मार्केट देखा जाए तो एक सपोर्ट जोन से, जो कि 17,065 के लेवल से बाउंस बैक लेने के बाद कुछ कंपनियां जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करके यहाँ पे मार्केट को ऊपर लाने के लिए कोशिश किया, जिनमें से देखा जाए तो मेटल सेक्टर हैं, जो कि मेटल सेक्टर में अदानी इंटरप्राइजेज हैं, उसके बाद टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और यहाँ पे एनटीपीसी, ये सभी कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है मार्केट को थोड़ा सा अप लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख लेते हैं एक बार ऑप्शन चैन एनालिसिस थ्रू कि मार्केट में, मतलब निफ्टी 50 में यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा। तो जैसा कि यहाँ पे मैं देखूँ 17,400 के लेवल पे, इस लेवल में कॉल में सबसे ज़्यादा राइटिंग की गई है, मतलब 17,400 का यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। वहीं पे 17,500 के लेवल में देखा जाए तो यहाँ पे 1,14,000 की कॉल राइटिंग हुई है, मतलब यहाँ पर भी, मतलब 17,400 और 500 के लेवल में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस जोन है, जो कि इस वीक में मे बी हो सकता है कि मार्केट इस लेवल को क्रॉस ना करें जो आज का डाटा है उसके अनुसार। वहीं पे अगर मैं पुट साइड देखूं तो पुट में सबसे ज़्यादा 17,000 के लेवल पे यहाँ पे 70,000 की पुट की राइटिंग हुई, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 17,100-150 के लेवल पे, 200 के लेवल पे उतनी पुट की राइटिंग नहीं है कंपेयर टू कॉल। तो एक तरह से मार्केट का सेंटिमेंट ये कहता है कि 17,000 का जो लेवल है ये हमारा सपोर्ट लेवल काम आएगा, और वहीं पे 17,400 और 500 का लेवल, मतलब देखा जाए तो ये रेजिस्टेंस जोन के लिए काम आएगा। तो एक बार हम लोग चार्ट में समझ लेते हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का चार्ट, उसके बाद इंट्राडे स्टॉक कौन कौन से रहेंगे वो आपको मैं बता दूंगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है, जो कि 15 मिनट का चार्ट है। इस चार्ट में देख सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट यहाँ तक आता है और यहाँ से 17,065 से एक शार्प रिकवरी देखने को मिलती है। अभी मार्केट में जो आज का हाई है और आज का जो लो है, यही हमारा कल के लिए इंट्राडे के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के काम करेंगे। और ऑप्शन चेन में जैसा कि हमने देखा था, यहाँ पे अगर मैं एक घंटे की चार्ट कर दूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं 1 आवर के चार्ट में यहाँ पे जो है निफ्टी का सपोर्ट जोन बना हुआ था 17,400 का लेवल, और यहाँ पे जैसे ये ब्रेक हो जाता है तो अभी ये रेजिस्टेंस जोन बन चुका है निफ्टी के लिए। और वहीं पे प्रीवियस, जैसा कि ऑप्शन चेन में देखे थे, 17,000 के पुट में सबसे ज़्यादा राइटिंग हुई है, उसी हिसाब से अगर यहाँ पे आप देखोगे तो 17,000 के लेवल में इस वीक के लिए यहाँ पे सपोर्ट जोन है 17,000 का और रेजिस्टेंस जोन है 17,400 का। यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जो आज का ओपनिंग और जो लो बना हुआ है और हाई बना हुआ है, यही कल के लिए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जोन का काम करेंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट में देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे जो गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए ट्राई करेगा, हो सकता है कि कल ना हो, नेक्स्ट डे हो सकता है। तो जब तक ये लेवल, मतलब कि यहाँ से ये लेवल निकल के आता है 17,250 का, इस लेवल के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता है, तब तक आपको बाई साइड के लिए एंट्री पोजीशन नहीं बनाना है। जैसे ही यहाँ पे ये सस्टेन करे, आपको बाई साइड एंट्री पोजीशन बनाना है, जो कि आपको 150 पॉइंट का मूवमेंट दे सकता है 17,400 लेवल तक के लिए। और ये डाउन साइड की मैं बात करूँ तो जब तक ये 17,065 का लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है डाउन साइड में, तब तक आपको पुट साइड एंट्री नहीं बनाना है।
अगर आप एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पे 65-70 पॉइंट का ही टारगेट मिलेगा, और जब तक ये 17,000 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता, इसी लेवल में ही ट्रेड होता रहेगा। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का परफॉर्मेंस। हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी बैंक में भी देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि निफ्टी में है कि गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद जो हाई और लो बना हुआ है यही इसका कल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। जैसा कि ये 36,950 का लेवल यहाँ पे लेवल क्रॉस हो के सस्टेन नहीं होता है तब तक आपको एंट्री पोजीशन नहीं बनाना है, इस लेवल के ऊपर ही आपको एंट्री पोजीशन बनाना है। इसमें भी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 500 से 600 पॉइंट का यहाँ पे मतलब गैप है। ये गैप फील आज नहीं तो कल तो होना ही है, तो जब तक ये लेवल क्रॉस ना हो तब तक आपको पोजीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही लेवल क्रॉस होगा उसके बाद अगर आप पोजीशन बनाते हैं तो मे बी आपको 500 से 600 पॉइंट तक का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर यहीं पे सपोर्ट जोन की बात करें तो 36,500 का लेवल है, इस लेवल को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक डाउन साइड में पुट में एंट्री नहीं लेनी है। अगर इसी रेंज में ट्रेड करता रहा बैंक निफ्टी तो हो सकता है कि ये नो ट्रेड जोन हो। और अभी अभी फिलहाल आपने देखा होगा कि मार्केट में क्या हो रहा है कि ब्रेकआउट होने के बाद ये डाउन या तो ब्रेक डाउन होने के बाद अप कंडीशन बन जा रही है, ऐसे में मैक्सिमम लोग ट्रैप हो रहे हैं और ये चल रहा है अभी लास्ट 15 से 20 दिन से यही चलते आ रहा है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो स्टॉक का मूवमेंट ही ऐसा हो रहा है कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी के। तभी हम लोग देख लेते हैं इंट्राडे स्टॉक कौन कौन से रहने वाले हैं जहाँ पे आपको ट्रेड परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर को अगर देखा जाए तो अभी जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो रहा था और मार्केट का एंड ऑफ द डे यहाँ पे बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। अभी ये 15 मिनट की कैंडल है जो कि 5-6 कैंडल में बहुत शानदार मूवमेंट दिया है और क्लोजिंग यहाँ पे 508 रुपये कुछ पैसे के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिला है। तो अगर यहाँ पे कल के डेट में ओपनिंग होती है 509-510 के आसपास तो इस लेवल पे जैसे ही ये क्रॉस करें यहाँ पे 509-510 के ऊपर आपको बाय पोजीशन बनाना है। जैसा कि स्टॉक का प्राइस 500 रुपये है तो यहाँ पे टारगेट इसका जो है 514 और यहाँ पे 519 रुपये या 20 रुपये के आसपास रख सकते हैं। मतलब अगर मैं दोनों टारगेट को मिला दूँ तो मैक्सिमम 520 रुपये का यहाँ पे टारगेट आएगा। और वहीं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो 5 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस रखना है जो कि 505 या 504 के आसपास रख सकते हैं, इससे ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स याद रखिएगा अगर यहाँ पे ये डाउन ओपनिंग होती है या तो थोड़ा ज़्यादा अप हो जाता है तो आपको वेट करना है। ट्राई करिए 509-510 के आसपास का लेवल आपको मिले तो ज़्यादा बेटर है ट्रेड करने के लिए ताकि आपको प्रॉफिटेबल बन सकें। अभी अगला स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। अगला स्टॉक मैंने लिया है वो भी है बाई साइड जो कि जुबल फूड, क्योंकि बहुत दिन से कंसोलिडेट हो रहा था। अभी मार्केट में जैसे जैसे रिकवरी देखने को मिला यहाँ पे वापस से इसमें अप ट्रेंड देखने के लिए मिला है। ये ऑलरेडी रेजिस्टेंस जोन में यहाँ पे चल रहा है, रेजिस्टेंस जोन के लेवल के आसपास ये थोड़ा सा क्रॉस हुआ है फिर यहीं पे ये कंसोलिडेट हो रहा था। जैसे ही इस पूरे लेवल को क्रॉस कर लेता है मतलब ये लेवल आएगा 2861 या 62 के आसपास, तो इस लेवल को क्रॉस करने के बाद जैसे ही ये सस्टेन करता है फिर वापस अप ट्रेंड की मूवमेंट बनती है तो इसके ऊपर आपको बाय करना है। यहाँ पे इसका टारगेट ऑलमोस्ट आप 60 पॉइंट का रख सकते हैं दोनों टारगेट मिला के, पहला टारगेट आप 30 पॉइंट का, दूसरा टारगेट आप 30 पॉइंट का। फ्रेंड्स याद रखिएगा जब भी आपका पहला टारगेट रीच होता है तो आपको 50% क्वांटिटी बुक करनी है और 50% क्वांटिटी आपको होल्ड करना है अगले टारगेट के लिए। इन केस अगर पहला टारगेट हिट होने के बाद ये डाउन आ जाता है तो आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर लेंगे और स्टॉप लॉस आपका जो है इस बाइंग प्राइस में होना चाहिए। अगर यहाँ पे रिवर्स आता है तो आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, तो एटलीस्ट आपका जो 50% क्वांटिटी आपने बुक किया है उसमें आप प्रॉफिट में रहेंगे, आपका लॉस नहीं होगा। यही मार्केट का एक थंब रूल है, स्ट्रेटजी है जहां से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और स्टॉप लॉस की बात करूं तो स्टॉप लॉस आपको 30 पॉइंट का रखना है जो कि इस स्टॉक का 1% के आसपास रहेगा जो कि 2830 के आसपास आएगा। तो स्टॉप लॉस 2830 के आसपास आप रख के यहां पे ट्रेड कर सकते हैं। अगला स्टॉक मैंने लिया है वो है आईटी सेक्टर से, वो है टेक एम। टेक एम में आपको दोनों साइड के लिए यहाँ पे मौका मिल सकता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड की कंडीशन में हो डाउन ट्रेंड की कंडीशन में हो दोनों साइड यहाँ पे आप ट्रेड परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ से गैप डाउन ओपनिंग हुई है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद इस लेवल पे सस्टेन के लेवल पे यहाँ तक आया और यहाँ सस्टेन करने के बाद इस लेवल तक ये बनाया हुआ है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मान के चलिए अप ट्रेंड की कंडीशन बनती है तो 1350 के ऊपर आपको बाय पोजीशन बनाना है, 1350 के ऊपर। इसका भी टारगेट सेम 2% रहेगा तो 1300 का है मतलब 26 पॉइंट का। और यहाँ पे अगर मान के चलिए इसी लेवल से डाउन ट्रेंड की कंडीशन बना लेता है और इस लेवल को
ये डाउन ट्रेंड में क्रॉस करता है 1330 का लेवल, तो यहाँ पे आपको जो है सेल करना है। इसमें भी आपका टारगेट 2% रहेगा और स्टॉप लॉस 1% रहेगा। कोई भी स्टॉक में ट्रेड करते हो, अगर आपका एडवाइजर आपको कभी भी स्टॉप लॉस या टारगेट मेंशन नहीं करता है या टारगेट ओपन मेंशन करता है, इस केस में याद रखिए आपका जो टारगेट है इंट्राडे में उस स्टॉक का 2% रखिए और स्टॉप लॉस हमेशा 1%। तो ऐसा करके आप ट्रेड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।